नियोजित शिक्षक लगातार सड़क से सदन तक अपनी बातों को लेकर जा रहे हैं और उन्होंने अब परीक्षा भी दे दी है और 24 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजू सिंह है, शिक्षक नेता, सीधा जुड़ते हैं। सर, अब आप लोगों ने परीक्षा भी दे दी है, अब रिजल्ट भी आने वाला है, क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं आप लोगों ने? सबसे पहले ना ही बिहार के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने ही सक्षमता परीक्षा दिया है, और सक्षमता परीक्षा हम लोगों ने इसलिए नहीं दिया है कि बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके ही शिक्षक बने हैं, और कैटेगरियों के लिए अलग अलग उत्तीर्णता का प्रतिशत जो है निर्धारित किया है, क्वालिफाइंग परसेंटेज जो निर्धारित किया है, और हम लोग जो टीईटी से बहाल शिक्षक हैं ये लोग बीएसईबी से ही जो है 60% से अधिक अंक लाने पर ही उत्तीर्ण घोषित हुए थे। अब यही सरकार कह रही है, विभाग कह रहा है कि 40% जो लाइएगा उसको उत्तीर्ण घोषित करेंगे, तो 60% लाने के बाद जो है हम सक्षम नहीं सरकार के नजर में है, 40% नंबर लाने के बाद हम सरकार के नजर में सक्षम हो जाएंगे, और सरकार बार बार परीक्षा लेकर के शिक्षकों को समाज में बेइज्जत करने का प्रयास करती है। ढेर सारे लोगों ने आवेदन किया, आवेदन इसलिए किया कि सरकार ने छल पूर्वक एक प्रश्न किया, और जिस कमेटी के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव थे, आनन फानन में एक दिन के अंदर कमेटी बनी और कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 3 बार इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या अनुत्तीर्ण हो जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया जाएगा। जिस के भय से बिहार के लगभग 2 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया है, परीक्षा दिया है, और इस परीक्षा में भी सरकार के द्वारा छल किया गया। जी सरकार के द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 1 बार नहीं 3 बार कहा था कि शिक्षकों से मामूली परीक्षा ली जाएगी, और मामूली के बजाय जो है बीपीएससी के सिलेबस को लाया गया, और बीपीएससी से भी कठिन परीक्षा का आयोजन विभाग के द्वारा करवाया गया। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को भी नहीं माना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय का संचालन होगा, लेकिन आज तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों का इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। अभी भी बिहार के सरकारी विद्यालय 9 बजे से 5 बजे तक ही चल रहे हैं, और इस 9 बजे से 5 बजे और 10 बजे से 4 बजे का जो मामला बिहार में उठा और साजिशन उठाया गया, शिक्षकों ने यह मांग नहीं किया था। शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा की जो मांग, प्रमुख मांग है हमारी, इस बात को दबाने के लिए इस समय विद्यालय संचालन के बात को जो है बाबू जी, प्रभाव में सवाल लाया गया। ये भी है कि जिन शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दी है उनका क्या होगा? आप जैसे और जो 1.5 लाख शिक्षक हैं, आप मैं जैसे आपके माध्यम से बिहार के उन तमाम जांबाज क्रांतिकारी संघनिष्ठ शिक्षकों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जी वे तमाम लोग शिक्षक संगठनों की बात पर अडिग रहे और उन्होंने परीक्षा नहीं दी। उन तमाम शिक्षकों से कहना है कि आप नियोजन इकाई में 60 वर्ष के लिए आपकी बहाली हुई है, कोई बिहार का मायका लाल नहीं है जो 60 साल से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटा दे। अभी कल के डेट में हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस कर रखा है जिसकी सुनवाई 13 मार्च को होनी है। उस जी केस में सरकार के द्वारा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, जी और उस काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया गया है उसमें सरकार का शिक्षा विभाग कह रहा है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही कि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा जी या उनका जो है सैलरी प्रभावित तो होगा, वो रहना चाहते हैं तो रहें। तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का कोई भी रत्ती भर भी जो है आंच नहीं आने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। अब अच्छा, एक सवाल उठता सवाल है, ये अब भी सवाल मैम, आप लोगों ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, 2 दिन का वक्त सम्राट चौधरी ने मांगा था, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी सरकार अपने जो कार्रवाई है वो कर रही है, परीक्षा भी ली गई, शिक्षकों ने परीक्षा भी दी, लेकिन आप लोग की बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है। बिहार भी भारत देश का ही हिस्सा है जी और लोकतंत्र इसकी खूबसूरती है। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो जब पक्ष में रहती है विपक्ष में रहती है, कहीं ना कहीं हम आस्था प्रदर्शित करते हैं। तो जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे, उन्होंने आंदोलन किया था, उनके एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई थी।
और जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने हमसे बात किया और कहा था कि 48 घंटे में आपकी समस्या का हम समाधान करवा देंगे, लेकिन हमारी किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। जी और हम आगामी चुनावों में जिन राजनीतिक पार्टियों ने शिक्षकों को ठगने और छलने का कार्य किया है, इसके खिलाफ भी हम लोग रणनीति बना करके मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और बिहार में नियोजित शिक्षकों के अहमियत को साबित करने का काम करेंगे। इसके साथ सवाल एक ये भी है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की भी बात अगर हम करें तो सरकार ने अभी तक उनको टाला हुआ है और अभी तक उनपे कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको अभी भी वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है। क्या शिक्षकों की बात का कोई वैल्यू नहीं रह गया है? देखिए, बिहार में ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से ऊपर भी के पाठक ही सुपर सीएम है, जी और जो के पाठक चाहते हैं वही करते हैं। आपको याद होगा कि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी तो स्टेक होल्डरों और संबंधितों से जो है आपत्ति मांगा गया था, 1.25 लाख लोगों ने आपत्ति दिया था कि सक्षमता परीक्षा नाम हटाया जाए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली नाम हटाया जाए, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो 1.25 लाख लोगों के मनोभावना से इतर, इच्छा से इतर एक भी बात नहीं माना गया। या शिक्षा विभाग, अभी विगत दिनों आप देख रहे होंगे सदन में कहा गया 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात का भी अवहेलना हो रहा है। अभी देखिए राज्यपाल के आदेश की अवहेलना हो रही है, सदन में भी कहा गया था विश्वविद्यालय वाला जो मीटिंग होना था उसको कैंसिल करने की बात कही गई थी। लेकिन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए बिहार में जो है तानाशाही कहिए, हिटलर शाही कहिए, उस तरह का ये किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए ये खतरनाक विषय वस्तु है। ठीक है, जिस तरह से प्रचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि के पाठक ईमानदार व्यक्ति है, तो क्या के पाठक ही सिर्फ समूचे बिहार में ईमानदार है? बाद बाकी सब बेईमान है जी, बाद बाकी तो बेईमान नहीं है। और ईमानदार होना इस बात का द्योतक नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज कीजिएगा। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा शिक्षकों को गाली गलौज भी की जाती है, वीसी में आपने देखा होगा जी। तो अगर वो वास्तव में शिक्षा के हिमायती होते, शिक्षकों के हिमायती होते, शिक्षा सुधार के हिमायती होते, तो के पाठक अकेले सिस्टम नहीं हो सकते हैं। इस सिस्टम को अगर दुरुस्त करना है तो इस सिस्टम में जो पदाधिकारी हैं, जो हम शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, उन तमाम लोगों से मिल करके सहानुभूतिपूर्वक वातावरण बनाते हुए मिल करके काम करने की आवश्यकता है। और के पाठक के आने के बाद मैं आपको बता दूं, अभी फिलवक्त बिहार की तमाम शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी बिहार के नियोजित शिक्षक अपने अपने विद्यालय में हैं और सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं वो भी परेशान हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वो भी परेशान हैं जी। तो सारे लोग इसी उधेड़बुन में हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, जिसका सीधा असर जो है बच्चों के पठन पाठन पर पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, ठेका और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है आप देख रहे होंगे प्रीफैब लैब बन रहा है, बेंच का सप्लाई हो रहा है, आपको जो है विभिन्न प्रखंडों में जो है डाटा ऑपरेटर बीपीएम की बहाली हो रही है। तो ये सारे चीज भ्रष्टाचार में संलिप्तता का परिचायक है, इसकी जांच होनी चाहिए जी। अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? संघर्ष का रास्ता आप लोग बनाए रखेंगे या फिर आप सरकार के आगे झुक जाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग संघर्ष पथ पे अडिग हैं, अटल हैं। भारत देश भी आजाद नहीं होता अगर भारत देश के क्रांतिकारी संघर्ष का रास्ता छोड़ दिए रहते। तो हम लोग संघर्ष पथ पर हैं और पूरा पूरा विश्वास है बिहार के नियोजित शिक्षकों की जीत होगी। हमारी लड़ाई सड़क पर भी हुई, हमारी लड़ाई सदन में भी हुई, और 13 मार्च को जो है हमारी लड़ाई न्यायालय में भी होने वाली है। 13 तारीख को जो न्यायालय में हमारा केस है, उस केस से जी। हम बहुत आशान्वित हैं कि उस दिन निश्चित रूप से फैसला बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में होगा और सरकार जो जबरन या परीक्षा थोपना चाहती है शिक्षकों पर, कारण कि हम परीक्षा दे के आए थे, सरकार फिर से परीक्षा लेना चाहती है, हमारा प्रमोशन ड्यू है, सरकार जो है स्थानांतरित कर देना चाहती है, पूर्व की नियमावली में एससी का स्थानांतरण का प्रावधान था, तो पूर्व की नियमावली में जो लाभ निहित थे जब जब देने की बारी आई सरकार ने नियमावली चेंज करके नियोजित शिक्षकों को लाभ देने से वंचित रखा है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि 13 मार्च को फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में होगा।
जी, तो देखिए 13 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखना होगा कि न्यायालय का क्या कुछ फैसला आता है, क्या शिक्षकों के पक्ष में फैसला होगा या सरकार के पक्ष में होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। धन्यवाद।